नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सीहोर विधानसभा से दो बार के विधायक सुरेश राय तीसरी बार भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और हैट्रिक मारने के इरादे से लगातार विधानसभा में जनता से संवाद कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राय को जनता से खूब समर्थन और प्यार मिल रहा है और ग्रामीण जगह जगह सुरेश राय का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी सुरेश राय कल 28 तारीख शनिवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान भाजपा के बड़े नेता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल होंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उम्मीद की जा रही है कि भाजपा प्रत्याशी सुरेश राय बड़ी संख्या भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं और सीहोर विधानसभा के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक और कार्यकर्ता पहुंचने की संभावना है। नारा लगाओ, सबकी राय, सबकी राय, हमारी राय सुरेश राय। 51,000 पार इस बार योजनाएं गिनाएंगे। उधर बहुत सारी माताएं बहने बैठी, उनमें लाडली बहना भी बहुत होंगी, बुजुर्ग महिलाएं भी बहुत होंगी, किसान भी बहुत यहाँ बैठे हुए हैं। संपन्न गांव है। ये आपके सामने दिख रहा होगा सीहोर की जनता। अब जनता नहीं, मेरे परिवार है। सीहोर पूरा एक परिवार जैसा मुझे ट्रीट करता है और मैं उनको भी मेरा परिवार मानता हूँ। ये मेरे 10 साल की मेहनत है, मैं इनके बीच रहा हूँ तो यही प्यार मुझे वापस लौटा रहे हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये सब कर्मठ कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से चलती है तो वो कार्यकर्ताओं के दम पर चलती है और कार्यकर्ता ही देवतुल्य कार्यकर्ता होते हैं। आज इन्हीं के दम पर हम फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं स्वयं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। ये सिर्फ आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का है, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि आज सारी योजनाएं जो धरातल पर किसी ने करा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हैं, इसीलिए वो आशीर्वाद दे रहे हैं। नामांकन दाखिल करने जा रहा है, क्या बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे, किस तरह का पूरा प्लान है, किस तरह पूरा कार्यक्रम रहेगा? ये कोई प्लान नहीं होता, ये जनता का आशीर्वाद होता है। वो खुद अपने मन से आते हैं क्योंकि एक ये चुनावी समर है और उनके मन में भी है कि उन्हीं के बीच का छोटा भाई बड़ा जो भी जैसा उनने रिश्ता रखा है। क्या अपील करेंगे क्षेत्रवासियों से विधानसभा का नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं? अपील तो हमेशा अच्छी ही होती है। जनता की सेवा करना मेरा धर्म है और जनता के बीच हमेशा सेवा करता रहूंगा और जनता मेरी खुशहाल थी, है और रही। किसी बड़े नेता के आने की संभावना? अपने नरोत्तम मिश्र जी कल पधार रहे हैं और चुनाव के बीच में और कई बड़े नेता भी कल सभा भी होगी। किसी और से खबर समय जगत के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल and press the bell icon.